नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में ज़रूर सुना होगा। यहाँ तक आपने यह भी सुना होगा कि DMIC, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं, वो भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रीजन होगी, जो भारत की पूरी धरती और विरासत को ही बदल कर रख देगी। आज इसकी चर्चाएं ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अलग अलग कोने में भी हो रही है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर इस DMIC, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से विख्यात है, उसके बारे में इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि DMIC ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में काफी तेजी से विकसित भी हो रहा है। फोर्ब्स के अनुसार अगर भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट रीजन या फिर विश्व के अलग अलग कोने में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित हो रहा है, तो वह है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पे काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और इसीलिए मैंने सोचा कि DMIC के बारे में हमारे भारत में ही कई सारे ऐसे दोस्त हैं को सिर्फ और सिर्फ DMIC के बारे में थोड़ी सी ही जानकारी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में एक संपूर्ण वीडियो बनाऊं, ताकि इसकी रियलिटी पता चले और यह भी पता चले कि यह इतनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों है और क्यों देश विदेश में इसकी चर्चाएँ होती है। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और DMIC के बारे में जानते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि दिल्ली से मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है, जिसकी लेंथ तकरीबन 1483 किलोमीटर लंबा होगा, जो दिल्ली NCR के नोएडा के दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र मुंबई के नवी मुंबई तक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बनाया जाना है। कॉरिडोर की खास बात यह है कि इस कॉरिडोर के अंतर्गत कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन को बनाए जाएंगे, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलोंग ही प्रस्तावित किया गया है। आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में काफी चर्चाएं सुनते हैं और यह भी सुन रहे हैं कि यह भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे भी होगी, जो कि आज के डेट में युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। और ऐसे में ये जो DMIC है, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलोंग ही दोनों साइड प्रस्तावित किया गया है, जिसके वजह से यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगी। बताया जाता है कि इस पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 24 इन्वेस्टमेंट रीजन को बनाया जाना प्रस्तावित है, 6 स्मार्ट सिटी प्रस्तावित किया गया है, इसके अलावा 2 लॉजिस्टिक हब और 2 पावर प्लांट को भी प्रस्तावित किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 24 इन्वेस्टमेंट रीजन कौन कौन से हैं, जिसके वजह से यह पूरा इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को खास बनाते हैं। तो पहला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला हमारा दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि यह पूरा एक दिल्ली NCR का एक पार्ट है, जहाँ मुख्य तौर पर जनरल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे एरिया में एक बहुत ही शानदार तरीके से स्मार्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट हब, लॉजिस्टिक हब, RRTS, मेट्रो, बुलेट ट्रेन और एक बहुत ही शानदार विश्व स्तरीय जेवर एयरपोर्ट को बनाया जाना है। दूसरा इन्वेस्टमेंट रीजन है मनीसर बवाल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि हरियाणा में प्रस्तावित किया गया है, जहाँ पे एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाया जाना, और साथ ही साथ इसी रीजन में एक स्मार्ट सिटी को भी बनाया जाना, जो ग्लोबल सिटी के नाम से भी विकसित होगा, जो दुबई के तर्ज पर विकसित किया जाना। तीसरा इन्वेस्टमेंट रीजन है कुशेखरा भिवंडी निमरन इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि राजस्थान का एरिया में विकसित किया जाना है। यहाँ पर भी जनरल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स हब को भी विकसित किया जाना है, नए नए IT हब इत्यादि को यहाँ पे बनाकर इस राजस्थान के भिवंडी एरिया को एक शानदार और विश्व स्तरीय के रूप में बनाकर लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। फोर्थ बड़ी इन्वेस्टमेंट रीजन है बारूच दहेज इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि गुजरात का एक हिस्सा है। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हब और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बहुत ही बड़े बड़े यहाँ प्लांट लगाए जाने हैं, आज के डेट में युद्ध स्तर पर काम भी हो रहा है। इसके अलावा भी इस इन्वेस्टमेंट रीजन में गुजरात से रिलेटेड बहुत सारे चीजों को बनाया जाना, जो मैं आगे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये सारे इन्वेस्टमेंट रीजन के अंतर्गत ही बनाए जाने, बट हाँ, ये कुछ ऐसा चीज है जिसको मैं अलग से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। ऐसे में हमारा जो फिफ्थ सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रीजन है, वो है महाराष्ट्र का इज्जतपुरी नासिक सीनर इन्वेस्टमेंट रीजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार मैन्युफैक्चरिंग हब होगी। इसके अलावा जो छठा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन है, वो है पीतमपुरा धार मोहर इन्वेस्टमेंट रीजन, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करेगी। ये जितने भी मैंने 6 के 6 इन्वेस्टमेंट रीजन बताने की कोशिश करी है, इसे तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करेगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट रीजन में 24 इन्वेस्टमेंट रीजन को बनाया जाना, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 बताए हैं,
6 मैं अभी और आगे बताऊंगा और ऐसे ही 6-6 करके मैं आगे बताता जाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से या पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करना चाहूँगा कि इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पहली बार दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा टोक्यो दौरे के दौरान जापान के पार्टनरशिप के तहत इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कही गई थी और 2007 अगस्त में इसे जापान सरकार और भारत सरकार की अलाइनमेंट के थ्रू इस कॉरिडोर की नींव रखी गई थी। इसमें मुख्य तौर पर इस पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एक ट्रांसपोर्ट हब के रूप में, एक ट्रेडिंग हब के रूप में, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसके अंतर्गत 6 अलग अलग स्टेट्स को लिया गया। पहला उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली इसी के हिस्से के अंतर्गत आती है, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान, पाँचवा गुजरात और छठा महाराष्ट्र है। इन 6 के 6 स्टेट्स में 24 अलग अलग इन्वेस्टमेंट रीजन को बनाया जाना है, जिसमें सभी स्टेट्स में एक ना एक स्मार्ट सिटी बनाया जाना है जो किसी ना किसी रूप में इस पूरे स्टेट्स को पूरी तरह से कायाकल्प जरूर करेगी। तो आइए देखते हैं कि वो अगले 6 कौन से इन्वेस्टमेंट रीजन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार है। 6 इन्वेस्टमेंट रीजन जो कि मैंने इनिशियल फेज में बताया, वो पहले फेज में बनाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर आज के डेट में विश्व स्तर पर काम भी चल रहा है। उसके अलावा 2 और इन्वेस्टमेंट रीजन को ऐड किया गया था, जिनमें से एक ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन है, जिसे आज के डेट में हम ढोलेरा स्मार्ट सिटी के से भी जानते हैं। वहीं दूसरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रस्तावित किया गया था, जो कि ऑरिक के नाम से प्रस्तावित है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में बनाया जाना है और इन दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इसके अलावा फरीदाबाद पलवल जोन में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जाना है। इसके अलावा बड़ोदरा अंकलेश्वर जोन में एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित किया जाना है। इसके अलावा दिघी को पोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इतना ही नहीं, माइच नयागांव को एग्रो प्रोसेसिंग फार्मिंग के रूप में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित किया जाना है। ये सभी इन्वेस्टमेंट रीजन किसी भी एग्जिस्टिंग सिटी से बड़ी होगी। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम पे फैक्ट्रियाँ खोली जाएगी, बल्कि बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज़, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हब इत्यादि को भी वहाँ पे खोला जाना है। ऐसे में देखते हैं कि आगे और कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन है। जो नेक्स्ट कुछ इन्वेस्टमेंट रीजन है, ये 2014 के बाद में प्रस्तावित किया गया था, जो कि फेज 2 के तहत प्रस्तावित किया गया था, जिसमें कुंडली सोनीपत इन्वेस्टमेंट रीजन है, अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन है, बारूच दहेज इन्वेस्टमेंट रीजन है, ढूले नरधन्ना इन्वेस्टमेंट रीजन है, रतलम नगडा इन्वेस्टमेंट रीजन है, रेवाड़ी हिसार इन्वेस्टमेंट रीजन है, राजसमंद भिलवाड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन है, पाली मरवर इन्वेस्टमेंट रीजन है, सूरत नवसारी इन्वेस्टमेंट रीजन है, भलसड गांव इन्वेस्टमेंट रीजन है, पुणे खाद इन्वेस्टमेंट रीजन है और देवास इन्वेस्टमेंट रीजन है। अब बात करते हैं कि इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कौन कौन से बड़े बड़े स्मार्ट सिटी प्रस्तावित किए गए, जो आज के डेट में काफ़ी चर्चा का विषय है। और आज के डेट में मुझे पर्सनली लगता है कि मैं यहाँ पे जितने भी स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बताऊँगा उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये सभी के सभी स्मार्ट सिटीज़ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही बनाए जा रहे हैं और इसी का ही एक पार्ट है। जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रीजन है वो है ढोलेरा स्मार्ट सिटी, जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है। वहीं दूसरा भी स्मार्ट सिटी जो कि गुजरात में ही बनाया जाना है, जो गिफ्ट सिटी के नाम से विख्यात है। इन दोनों के बारे में ही मैं पर्सनल एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो स्मार्ट सिटी है वह है ऑरिक सिटी, जिसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनाया जाना प्रस्तावित है और आज के डेट में बन भी रहा है, जिसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव में एक ग्लोबल सिटी को बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप माय चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी को प्रस्तावित किया गया, जिसका नाम है विक्रम उद्योगपुरी स्मार्ट सिटी, जहाँ पर भी आज काफ़ी तेज़ी से विकसित के काम चल रहे हैं। इसके बारे में भी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया हूँ, तो उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि दादरी वाले एरिया को यानी कि जेवर वाले एरिया को बहुत ही शानदार तरीके से विकसित करेगी, जो कि ग्रेटर नोएडा के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से उसे विकसित करने का काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में द्वारका सब सिटी को बहुत ही शानदार तरीके से एक मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में, एक इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में विकसित कर रही है और ये सभी के सभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक पार्ट है और उसी के फंड से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलोंग
भारत सरकार और जापान की गवर्नमेंट द्वारा इसे डेवलप कर रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की और भी बहुत सारी अहम बातें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे आज के डेट में जो लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है, आज के डेट में जो फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जाना है, वो सभी के सभी इसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही पार्ट है। जैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि दिल्ली NCR के जेवर दादरी से शुरू होकर मुंबई नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक बनाया जाना प्रस्तावित है, वो भी इसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है। वहीं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आज के डेट में बन रहा है, उसे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा, जो एक दिल्ली मुंबई इन्वेस्टमेंट रीजन का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा सभी रीजन में जहाँ जहाँ 24 इन्वेस्टमेंट रीजन है, उन सभी में लॉजिस्टिक हब बनाया जाना है, ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाना है, कार्गो हब बनाया जाना है, इंटीग्रेटेड लेदर टेक्सटाइल पार्क बनाया जाना है, और भी बहुत सारे पार्क, IT हब इत्यादि को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तावित किया गया है, जो सभी के सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है। इसके अलावा DMIC के अंतर्गत ही दो बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और एक मुख्य तौर पर एक नेशनल लेवल की एयरपोर्ट बनाया जा रही है। मतलब टोटल इस पूरे इन्वेस्टमेंट रीजन में 3 बड़े बड़े एयरपोर्ट को बनाया जाना है। पहला जेवर एयरपोर्ट जो कि पूरे विश्व की 4th सबसे बड़ी एयरपोर्ट होगी, वहीं भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आज के डेट में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। इसके लिए भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ढोलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी एक ढोलेरा एयरपोर्ट को बनाया जाना, जो कि इंटरनेशनल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जाना प्रस्तावित है, जो सभी के सभी तीनों दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा है, और इसी के अंतर्गत इस तीनों एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां द्वारा ITCT, टेक सिटी, टेक हब, ट्रांसपोर्ट हब, मैन्युफैक्चरिंग हब इत्यादि को अलग से वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रही है, और इन सभी रीजन में बहुत ही शानदार तरीके से प्राइवेट कंपनियां द्वारा, बड़े बड़े इन्वेस्टर द्वारा इन्वेस्ट कर रही है, जिसके वजह से इसे ना सिर्फ एक PPP मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है, बल्कि यहां बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां द्वारा इन्वेस्ट करके बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे रीजन को विकसित कर रही है। हालांकि आज के डेट में वैसा कुछ यहां पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस काफ़ी दूर दूर हैं, और अभी इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ है जो कि आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से दिखे। बट हाँ, आने वाले, मुझे पर्सनली लगता है कि 2035 तक ये इन्वेस्टमेंट रीजन बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों के सामने आएगा। इस DMIC के बारे में तो लगभग आप लोगों ने बेसिक्स बातें जो थी वो तो समझ गई। अब थोड़ा सा इसका डिटेल में जाते हैं, अंदर जाते हैं। पता चलता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि तकरीबन 1400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, उसमें से दिल्ली का टोटल एरिया 115 किलोमीटर का है, जो पूरे DMIC रीजन का सिर्फ और सिर्फ 1.5% का हिस्सा है। वहीं उत्तर प्रदेश का भी लगभग 1.5% का हिस्सा है। हरियाणा का इस पूरे DMIC का तकरीबन 10% का हिस्सा रखा गया है। राजस्थान को 39% का हिस्सा दिया गया है, जो कि एक सबसे बड़े हिस्से में से एक है। इसके अलावा गुजरात में तकरीबन 565 किलोमीटर का हिस्सा को विकसित किया जा रहा है, महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश में पूरे DMIC का सिर्फ और सिर्फ 1% का हिस्सा दिया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ विक्रम उद्योगपुरी स्मार्ट सिटी जो कि उसी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि इस पूरे DMIC को बनाने में तकरीबन 90 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है, जहाँ फ्यूचर में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को तो बनाया जा रही है, दिल्ली मुंबई वंदे भारत ट्रेन को भी प्रस्तावित कर दिया गया, जो कि आने वाले 6 से 7 महीने में यहाँ पे चलाया जाना है। इसके अलावा दिल्ली से मुंबई हाई स्पीड ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन को भी प्रस्तावित किया गया है, जो कि 2040 तक यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, और इन सभी को एक एडवांस फैसिलिटी के साथ बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे इन्वेस्टमेंट रीजन को बनाया जाना है। यहाँ पे ना सिर्फ हिंदुस्तान की प्राइवेट कंपनियाँ, बल्कि देश विदेश की प्राइवेट कंपनियाँ इन्वेस्टर्स द्वारा यहाँ काफ़ी तेज़ी से विकसित के काम कर रहे हैं। ऐसे में DMIC भारत के लिए तो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ही, साथ ही साथ विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, जहाँ पे लोग कम दामों में अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज खरीद कर यहाँ पे अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को बढ़ाने का काम कर रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि DMIC के अंतर्गत जो पैसे लगाए जा रहे हैं, उसमें 49% का हिस्सा भारत सरकार का है, वहीं जापान की कंपनी का तकरीबन 2.6% का हिस्सा है, और वहीं हुडको, IIFC, LIC द्वारा तकरीबन 25% का हिस्सा के रूप में इसे पूरे इन्वेस्टमेंट रीजन को विकसित कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
जो कि भारत के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगी, उसका निर्माण कार्य कब पूरी तरह से कम्प्लीट होगा और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर करें वो सब के सब समझ में आ गए होंगे, और जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट के रूप में आप सभी ने देखा होगा वो सभी के सभी इसी DMIC के अंतर्गत ही बनाए जा रहे हैं। ये बातें भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ऐसे में आपको फ्यूचर में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि ये सारे प्रोजेक्ट अलग अलग हैं, बल्कि ये सभी के सभी DMIC का हिस्सा है और इसी के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं और कब तक यह DMIC अपने स्वरूप में आती है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।